आज मैं एक मूवी देखने गया था वाथी, इसको आप सर भी बोल सकते हो। फ्रेंड मैं इस मूवी को देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यह मूवी का रनिंग टाइम है 2.5 घंटा, मूवी का रनिंग टाइम है और यह मूवी एक शिक्षक का क्षेत्र में है। और इस मूवी को देखा यार मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और इस मूवी को आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, उसके बारे में जल्दी से रिव्यू करते हैं। செய்யும் தருணம் நரிகள் நிறைய கண்களை விழித்து திணற திணற திறத்தி புடிச்சுக்கி நடவடிக்கைகள் நரபலிக்கணி உறுதி இந்த புது தலைமுறை புத்தி। इस मूवी का अगर स्टोरी की बात करूं तो यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस मूवी में धनुष का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि फ्रेंड धनुष एक ऐसा एक्टर है कि हर एक मूवी में जान डाल देता है। और फ्रेंड इस मूवी में धनुष ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। और इस मूवी की स्टोरी आपको थोड़ी बहुत आपको बताने जा रहा हूँ। एक संस्था है और उस संस्था में बहुत सारे टीचर रहते हैं, तो उस टीचर में से 3 टीचर को एक गांव में भेज दिया जाता है जहां पर सरकारी स्कूल में बच्चे लोगों को पढ़ाना रहता है। उस गांव में जिस दिन जब स्कूल जब खुलता है तो जब तीनों टीचर जाते हैं उस गांव में तो उस दिन बच्चे लोग सभी आ जाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिनों में सभी बच्चे नहीं आते हैं और वो टीचर सोचते हैं कि हम इस स्कूल में क्या करें। लेकिन जो बालाजी है धनुष, तो वो वहाँ पर सोचता है कि मैं इस गांव में आया हूँ तो मैं सभी बच्चे लोगों को पढ़ाऊँगा। और उसके जितने भी जो माता पिता रहते हैं सभी लोगों के घर एक एक करके जाते हैं और उसके बाद उसको मनाने का कोशिश करते हैं। और बाद में सभी बच्चे आते हैं और उस स्कूल में शिक्षा लेने का प्राप्त करते हैं। उस बीच में बालाजी को एक बहुत बड़ा अधिकारी उसको भेजा रहता है, तो उसी के बीच में वो बहस हो जाता है। उसी के वजह से जो बालाजी इस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ से उसको निकाला जाता है। उसके बाद बच्चे लोगों का भविष्य क्या होता है और बालाजी क्या उन लोगों को पढ़ा पाता है कि नहीं पढ़ा पाता है, इन सब बातों को जानने के लिए इस मूवी को आपको देखना पड़ेगा। पर्सनली फ्रेंड मैं इस मूवी को देखने के लिए मैं काफ़ी लंबे टाइम से मैं वेट कर रहा था, क्योंकि फ्रेंड इस मूवी में जो शिक्षक का जो क्षेत्र जो धनी जो परफॉर्मेंस दिया है काफ़ी ले तारीफ है। फ्रेंड इस मूवी में कैसे जो प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से बच्चे लोग पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में। और कैसे जो बच्चे लोगों को जागरूकता दिलाया है इस मूवी में बहुत ही ज़बरदस्त किया है। इस मूवी का अगर आप लोग देखोगे तो आपको बिल्कुल आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि इस मूवी में आगे क्या होने वाला है और कैसे जो शिक्षक के क्षेत्र में जो पूरी तरीके से बताया गया है और कैसे जो 46 जो बच्चे रहते हैं और कैसे उस जिला में जो टॉप करते हैं, तो उस चीज़ को बहुत गहराई से समझाया है और आपको बिल्कुल आपको बोरिंग नहीं दिलाएगा और आपको ज़रूर आपको पसंद आएगा। और फिर मैं ये चाहता हूँ कि फिर इस मूवी को पूरे फैमिली के साथ देखो और आपको ज़रूर आपको मज़ा आएगा। और इस मूवी आपको थोड़ी बहुत आपको लव स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगा, कैसे जो धनुष एक मैडम से जो प्यार करता है जो स्कूल का जो टीचर रहती है, तो उन लोगों के बीच में आपको थोड़ा बहुत आपको लव स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपको बीच बीच में आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा और इस मूवी का जो एक्शन है वो तो पूरी तरीके से तबाही है। जाओ फ्रेंड इस मूवी को एक बार थिएटर में देखो। फ्रेंड अगर आप लोग अगर देख लोगे इस मूवी को तो हमें कमेंट करके यह सुनो जरूर ही बताना क्या है मूवी आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। सर मूवी हमें कमेंट करके यह सुनो जरूर ही बताना। सभी लोगों से फ्रेंड मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको दबा ही देना। और अगले वीडियो मिलता हूँ फ्रेंड, टेक केयर, बाय।